हेलो स्टूडेंट, आज अपन एरिया अंडर कर्व मिसलेनियस एक्सरसाइज करेंगे। वो एक्सरसाइज इस तरह से देख सकते हो, इसके प्रॉब्लम अपन करना है, राइट। इन प्रॉब्लम करना है, जितनी आज हो जाएंगी बाकी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रॉब्लम है फाइंड अंडर कर्व एंड द गिवन लाइन। पहला है y एक्स स्क्वेयर एक्स इक्वल टू वन, एक्स इक्वल टू टू एंड x एक्सिस, इससे घिरा हुआ एरिया अपन को निकालना है, ठीक। तो इसके लिए करना क्या है, देखो ये ग्राफ बनाएंगे। x की पावर 2 है, मतलब सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। अपन ये पैराबोला बना लिया, ओरिजिन से पास हो रहा है ये। x इक्वल टू वन, एक्स इक्वल टू वन की लाइन, x इक्वल टू टू, हमको ये एरिया निकालना है। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ग्राफ बनाएंगे, एवा एक्स एक्सिस है मतलब ऊपर आना है, और इंटीग्रेट कर देंगे x एक्सिस के ऊपर, मतलब ये रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा 1 से 2 y dx, मतलब एक्स और डी एक्स, एक्चुअल में ऐसा लिख रहे हैं ना, 1 से 2 वाई डी एक्स, एक्स वाई 3 1 से 2, 2 का क्यू माइनस 1 का क्यू। ठीक आ गया, ये आ गया आंसर, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है फाइंड द एरिया अंडर द कर्व y इक्वल 4, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 5 एंड x एक्सिस, ठीक। इसका ग्राफ भी लगभग ऐसे आने का, थोड़ा रैपिड चेंज होगा, x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 5। ग्राफ इसका ऐसा आने का y x 4 और 1 से 5 तक इंटीग्रेट करना है। वन से फाइव, ठीक। तो रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन आ जाएगा 125 into 25 है ना, माइनस 1, इसको सॉल्व करना है, राइट। दूसरा क्वेश्चन है फाइंड द एरिया बिटवीन द कर्व y इक्वल टू x स्क्वायर, ठीक है। तो इसका हमको ग्राफ बनाना है। पहले y इक्वल टू x और x पावर इवन है तो y के अबाउट सिमेट्रिक होगा और पैराबोला होगा, तो ये एरिया हमको निकालना है। इसका ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है दोनों की y को इक्वेट करके, तो ये आ जाएगा x 0 एक्स वन, तो वाई 0 और वाई 1 आ जाएगा, 0 0 है ना, स्टेप ऐसे आ रहे ना। एरिया रिक्वायर्ड हो जाएगा अपर कर अपर माइनस वाई लोअर, ठीक। बस इसको सॉल्व करना है अपन को, आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है।
जहाँ तक, ठीक, इसको नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड पैराबोला वाई इक्वल टू फोर एक्स स्क्वायर। वाई इक्वल टू फोर एक्स स्क्वायर, एक्स इक्वल टू जीरो, वाई इक्वल टू वन, वाई इक्वल टू फोर, इनके बीच का हमको एरिया निकालना है, ठीक है। तो इसमें करना ये है, एंक्लोज एरिया फाइंड करना है। तो पहले अपन इसको ट्रेस कर लेते हैं, ठीक। तो एक्स की पावर इवन है तो वाई की पावर सिमेट्रिक हो गई, ग्राफ एक्स जीरो मतलब वाई एक्सिस, वाई इक्वल टू वन टू थ्री फोर, ठीक। और स्ट्रिप ले लो, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल ले लो डी वाई, ठीक ठीक है। तो अपन इसमें एक्स इक्वल टू वाई अपॉन फोर का रूट ले लेंगे, है ना, इसी से बना लेंगे। और इंटीग्रेशन करने के लिए y की लिमिट लिखेंगे, y1 से y4, ठीक, y1 से y4 लिख लिया, और x dy, y x dy सर कितना है, वन से फोर वाई डी वाई, वन बाई टू वाई की पावर थ्री बाई टू, वन से फोर, ठीक है। वन बाई टू में एक्चुअल में वन बाई टू था प्लस वन, वन बाई टू प्लस वन थ्री बाई टू आएगा, ठीक। ठीक है, किसका आ जाएगा, टू टू कैंसिल हो जाएगा, ये होगा, ठीक है।